योनियाँ चढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली कैसे? हैं आप सब लोग उम्मीद करते होंगे आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे आज मैं शॉपिंग करने के लिए आई हूँ और मैं आपको अपनी ओवर लुक भी दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। यार अच्छा शुरू हो गया है मेरे साथ। ये तो म

आप हैरान हो रहे होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद हूँ तो बिल्कुल हैरान और परेशान मत हो मैं आपको फिर से अपने एक नए व्लॉग में एक नई जगह की सैर कराने के लिए ले आई हूँ ताकि आप लोग फिर से एक नई जगह का विजिट कर सकें घर बैठे ही इंजॉय करें इंजॉय करें और मज़े करें और देखें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं तो व्यूवर्स जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अपडेडेड इंटरेक्ट करते रहें तो अब से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो लोग चाय पे चैनल पर पहले से मौजूद हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द तो बेल आइकन ट तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने चलना शुरू कर दिया है और मैं चलते चलते आ चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और फ़र्स्ट फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या किस किस रेट पे मौजूद हैं वो हम करते हैं एक्सप्लोर और मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें अच्छा जी मैं फर्स्ट फ्लोर में आ चुकी हूँ यहाँ पर ऑर्डनी वेयर यानी कि कैजुअल वेयर की चीज़ें मौजूद हैं पैंट्स मौजूद हैं लड़कों की भी लड़कियों के भी हर तरह की पैंट्स मौजूद हैं हर तरह का कलर मौजूद है फैंसी भी हैं नॉन फैंसी भी हैं जैसे कि आजकल लड़कियों को पसंद होती हैं हर तरह का डिज़ाइन है और रिज़नेबल प्राइस है आप चाहें तो यहाँ पर आकर जी खरीद सकते हैं मैं आपको सैर करवा रही हूँ घर बैठे क्योंकि आप जो है बोर ना हो और जब भी आप मेरा चैनल देखते हैं मुझे पता है आप इंटरटेन तो होते ही हैं क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करती हूँ और अगर मैं आपको इतना ही इंटरटेन करती हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब करें मुझे मिलियंस तक पहुँचाएँ ताकि मेरा चैनल जो है वो ज़्यादा ज़्यादा तरक्की करे और मैं आपके साथ ऐसे ही अपने ब्लॉग्स जो हैं वो शेयर करती रहूँ अच्छा जी यहाँ पर पे पैंट्स की कैटलॉग्स लगी हुई है अच्छा यहाँ पे प्रिंट पैंट्स भी लगी हुई हैं वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हमेशा प्लेन पैंट लें प्रिंट पैंट मत लें इतनी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल अजीब सी लगती हैं फंकी सी लगती हैं और प्रिंट्स भी बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं फूल और पत्तियों वाले इस ऐसा लगता है जैसे हमने लीलन का ट्राउज़र पहना हुआ है पैंट तो बिल्कुल भी नहीं लगती लेकिन इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप प्लेन पैंट लें वो ज़्यादा एलिगेंट और प्यारी लगती है ठीक थी? है जी ये शर्ट्स के डिज़ाइन लगे हुए हैं जो कि लड़कियों के हैं क्योंकि मैं लड़कियों वाली साइड पे घूम रही हूँ तो सारी चीज़ें ही लड़कियों की हैं यहाँ पर मौजूद और ये शर्ट के कुछ डिज़ाइन हैं ये भी आप देख लें तो रिवर्स यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना आपको अपनी ओवरऑल लुक दिखा दूँ ये देख लीजिए मैंने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है आया है बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह बोल दिया करें ताकि मुझे नजर ना लगे और ये मेरी फ्रेंड की चीज़ें गिरती फिरती रहती हैं क्योंकि ये ऐसी है बस <laughs> तो उसका ड्रेस भी देख लीजिए मेरा ड्रेस भी देख लीजिए और मुझे टेन में से और रेट कर दीजिएगा कितनी भी आपने रेटिंग देनी है टेन आउट ऑफ टेन देनी है तो वह भी ठीक है अगर आप मुझे कम मार्क्स देंगे तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी क्योंकि मैं हूँ आपकी प्यारी सी डॉल दिया मालिक तो जी व्यूवर्स आपने मेरी ओवरऑल लुक देख ली होगी अच्छा जी यहाँ पर आप ड्रेस कोई भी आपको पसंद आता है तो आप उसे चेंज करके देख सकते हैं पहन के देख सकते हैं और उसके बाद आप उसे परचेस कर सकते हैं ठीक है जी आ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मेरी फ्रेंड को एक अबाया पसंद आया था इसकी प्राइस है जी थ्री थाउजेंड कपड़ा इसकी जो कपड़े की रेटिंग है मैं आपको दूँगी टेन बाई टेन है कलर भी टेन बाई टेन है और जो इसका स्टाइल है वो भी टेन बाई टेन है तो आप यहाँ पर अबाया या फिर कोई ड्रेस जो भी आप कुछ लेना चाहते हैं वो इसे आप वेयर करके दे सकते हैं पहन सकते हैं अगर आपको फिट है तो आप खरीद लीजिए अगर आपको नहीं फिट तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं अबाय का जो कलर है एक्चुअल कलर है वो कुछ इस तरह से है इतना खूबसूरत कलर है ऊपर से ये गाउन स्टाइल है अरेबिक वे में इसे बनाया गया है मतलब कि बड़ा प्यारा सा कलर है अगर आप लोगों को ब्लैक ज्यादा पसंद है तो ब्लैक में ले लीजिएगा अगर आपको ये कलर पसंद आ रहा है तो आप ये ले सकते हैं ठीक है और ये है अबाय की ओवरऑल लुक मैंने कहा आपको दिखा दू हैंग करके और मेरी तरफ से जी आपको ये रिकमेंडेड है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा है और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा बना हुआ है तो देर मत कीजिए ग्रैप कीजिए और ले लीजिए चले जी अब आगे चलते हैं अच्छा जी यहाँ पर लगे हुए हैं लीलन के सूट लीलन के हैं खद्दर के हैं लौन के हैं हर तरह के सूट हैं डिज़ाइंस लगे हुए हैं और इन पे चल रही है जी सेल तकरीबन थर्टी परसेंट ऑफ चल रहा है इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी के सूट भी हैं और उनके ऊपर भी थर्टी परसेंट ऑफ चल रहा है तो अगर आप मतलब कि यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ मौजूद है हर तरह का ड्रेस मौजूद है कैजुअल भी है आपके पास फंक्शन से ऊपर जाने के फंक्शन पे जाने वाला भी ड्रेसेस यहाँ पे मौजूद हैं उसके अलावा घर में पहनने वाले ड्रेसेस भी मौजूद हैं और बाहर जाने वाले ड्रेस भी मौजूद हैं इवेंट्स या पार्टी पे जाने वाले ड्रेस भी मौजूद हैं तो जब आप यहाँ पे आएंगे आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी आप मतलब कि आपको जो भी चाहिए होगा ना आपको यहाँ पर मिल जाएगा अच्छा जी यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस हैं कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह के कलर्स हैं अच्छा जी ऑनेस्टली मैं यहाँ पे रिव्यू दूँ तो मुझे कलर पसंद नहीं आए कुछ ज़्यादा ही भड़कीले थे <laughs> अच्छा लेकिन वैसे मैं एक बार बताऊँ बहुत से लोगों को भड़कीले कलर ही पसंद होते हैं सोफिसकेटेड कलर बहुत कम लोगों को पसंद होते हैं ज़्यादा लोग डार्क कलर्स और ना इस तरह के कलर पसंद करते हैं जिस तरह के यहाँ पर लगे हुए हैं <laughs> अच्छा जी आगे चलते जाते हैं अच्छा जी मॉल में ना काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं और मैं ना इस मॉल में जब आई ना तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा यहाँ पर मुझे इतनी वाइल्ड वाइड रेंज में यानी कि बहुत बड़ी रेंज में मुझे चीज़ें नज़र आएंगी मुझे लगा था बस छोटी सी छोटी सी रेंज में चीज़ें मौजूद होंगी लेकिन जैसे मैं अंदर आई हूँ तो मैं हैरान रह गई हूँ कि यहाँ पे वाकई में दुनिया की हर चीज़ मौजूद है और आपको देखिए मैं घर बैठे हर चीज़ दिखा रही हूँ तो आपने अब लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी करना है और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली शेर में शेयर भी करना है ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर सके और मैं आपके साथ ऐसे ही अपने व्लॉग्स जो हैं वो शेयर करती रहूँ अच्छा जी ये दोनों आर्टिकल्स हैं एक ब्लैक में है एक पर्पल में है अच्छा मुझे पर्पल वाला जो आर्टिकल है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है बड़ा ही खूबसूरत है अच्छा मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्लियर कर दूं कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि आजकल कल को और कपड़ों की नई जो कैटेलॉग्स होती है उसको आर्टिकल्स कहते हैं तो मैं आप ही पे आर्टिकल्स कह रही हूँ तो ये पर्पल वाला कलर जो है थोड़ा आई कैचिंग लग रहा है और मेरा कलर भी थोड़ा सा फेयर है तो मुझ पर थोड़ा अच्छा भी लगेगा और जी यहाँ पर जी लॉन की जो है शर्ट्स मौजूद हैं बड़ी सस्ती सी ये जो मेरे हैंड में आपको नज़र आ रही है ये शर्ट है और ओनली फाइव हंड्रेड में ही अवेलेबल है तो अब जो है गर्मियां तो आने वाली हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जी गर्मियों की ही चीज़ें हरीलो सर्दियों के लेने के फ़ायदे नहीं है चलो रहा आप ये डिज़ाइन चेक करें बड़े खूबसूरत से हैं और इनके बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी हुई है यानी कि चिकन कढ़ाई होती है ना वो हुई है और शर्टें भी सस्ती मिल रही हैं तकरीबन फाइव हंड्रेड की है तो और इसका कपड़ा भी अच्छा है यानी कि चल जाएगा एक सीज़न तो चल ही जाएगा और लॉन के कपड़े तो वैसे भी एक सीज़न ही जाते हैं तो कमेंट में बताइएगा कौन सा कलर मेरे पे सूट करेगा मैंने सोचा आपको ये लॉन की कुछ ड्रेसेस हैं पीसीज हैं मैं आपको दिखा दूं आप चाहे तो जो है वो इसको ट्राउज़र भी बना सकते हैं और इसे शर्ट भी बना सकते हैं जो आपका दिल करे और दो एक तरह से न, दो पीस भी ले सकते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिजाइन और उनको कॉम्बो बना के आप इस पे टू पीस सूट बना सकते हैं ठीक है जी तो आपका कितने में सूट बन जाएगा थाउजेंड में इतना सस्ता ड्रेस मेरे हाल से आपको कहीं नहीं मिलेगा अच्छा जी आपको फिर से बता रही है चेज़ वैल्यू में क्योंकि आप मुझे पता है जैसे ही आपको पता चलेगा जी यहाँ पे सेल लगी हुई है और कपड़ा इतना सस्ता है तो आप लोगों को क्रेविंग हो जाएगी खास तो पे लड़कियों को तो कहें चलो भाई सस्ती चीजें लेने चलते हैं तो इसलिए मैंने बता दिया जी मैं चेज़ चीज़ वाली हूँ मजूदूँ तो ये कुछ डिज़ाइनस हैं ये मैंने आपको दिखा दिए अच्छा यहाँ पर लीलन के डिज़ाइन भी लगे हुए हैं लीलन ऐसी है कि पतली जो होती है मतलब कि खुले मौसम में जो चल जाती है वो वाली है अच्छा मैं बार बार कपड़ा इसलिए देख रही थी कि जी मुझे पता चल जाए कपड़ा अच्छा है या बुरा है और ये कुछ लॉन के लीलन के ड्रेसेस हैं लॉन के ड्रेसेस हैं मतलब कि लीलन पतली वाली है बहुत ज़्यादा जो कि खुले मौसम में डल जाती है ये उसके डिजाइनस हैं और ये जो शर्ट है वो एट हंड्रेड की है तो ये डिजाइनस भी मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ लोग ये डिजाइन कुछ इस तरह से थे छोटे छोटे जो जो कि मतलब के बच्चों के पहनने के लिए होते हैं बच्चों की शर्ट्स या फिर आप उनके लिए फ्रॉक्स बना सकते हैं या फिर कोई भी डिज़ाइंस जो कि बनाने हो तो ज़रूरी नहीं होती कि हम बड़ों की ही शॉपिंग होती है शॉपिंग तो बच्चों की भी होती है आजकल बच्चों की जो शॉपिंग जो होती है वो कुछ ज़्यादा होती है तो मैं ये डिज़ाइंस जो हैं वो खोल खोल के देख रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ स्पेशली मैं ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि यहाँ पर किस तरह के डिज़ाइंस मौजूद हैं और किस तरह के जी रेट्स लगे हुए हैं ठीक है जी तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए कितनी बार मुझे प्लीज़ कहना पड़ेगा ये मुझे भी नहीं पता और आपको वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हम उसे दे सकते दे सकते हैं इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम उसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो चीज़ सिखा सकूँ अच्छा जी व्यूवर्स फेबरी का महीना चढ़ चुका है यानी कि वैलेंटाइन डे आ रहा है और आपको पता ही है हम हाँ मुसलमान हैं और मुसलमानों में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है वो ये कि <laughs> से नो टू वैलेंटाइन <laughs> क्योंकि पाकिस्तान में जैसे ही वैलेंटाइन डे का नज़दीक आता है ना दिन तो क्रिटिसिज्म अखबारों में न्यूज़ में मोबाइल्स में जो हमारे स्टेटस जो होते हैं वो भी यही लग रहे होते हैं से नो टू वैलेंटाइन ये वो ब्ला ब्ला बहुत कुछ चलता है तो आपके इसके बारे में क्या ये मुझे ज़रूर बताइएगा वैलेंटाइन डे होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसे मार दें <laughs> यहाँ सेलिब्रेट करें अच्छा मैंने देखा है जितनी किस इस, इस दिन के ख़िलाफ़ मतलब के साजिशें शुरू हो जाती है ना उतना ही ये दिन ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है उतना ही मुझे हर जगह रेड रोज नज़र आते हैं बलूनस नज़र आते हैं और डेकोरेशन नज़र आती है उतने ही लोग जो हैं वो इसके पीछे पागल होते हैं हालाँकि इसके खिलाफ एक महाज शुरू हो हुआ हो जाता है जैसे ही फेबरी का मंथ स्टार्ट होता है तो आपने बताना है कि आखिरकार ये टॉपिक जो है इसके बारे में क्या कंक्लूजन है आपकी तो यहाँ पे जी जो है स्लीपर्स हैं स्लीपर्स की प्राइस भी यहाँ पे है थ्री हंड्रेड से फ़ाइव हंड्रेड तक यानी कि कैजुअल स्लीपर्स जो हम लोग घर में पहनते हैं वो उनके डिज़ाइंस लगे हुए हैं कुछ लोग को स्लीपर्स भी स्टाइलिश चाहिए होते हैं और कुछ लोग सिर्फ सिंपल से स्लीपर्स पसंद करते हैं तो मैंने सोचा आपको उसके भी डिज़ाइन थोड़े से दिखा दूँ प्राइस बहुत ज़्यादा कम है अपने रिस्क पे ऑन योर रिस्क खरीदिएगा <laughs> क्योंकि मुझे आइडिया नहीं यहां है यहाँ की चीज़ें कैसी हैं अरे दी मैंने इस वाले फ्लोर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है और मैं अब जा रही हूँ नीचे और अच्छा मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे ऊपर जो है वो बच्चों की चीज़ें हैं बुक्स हैं उनकी खिलौने हैं कुछ इस तरह सी चीज़ें हैं और अब जी हम वहीं पे आ गए हैं और आपको दिखा दूँ बच्चों की ये गाड़ी मुझे बड़ी पसंद आई आपको क्या लगता है मुझे ये कार ले लेनी चाहिए अगर मैं ये कार ले लूँगी तो मैं इसे चलाऊँगी कहाँ पर अच्छा जी यहाँ पे दुआ करेंगे मैं भी अपनी कार ले लूँ और मेरी दुआ है कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे खुश और आबाद रहे हैं। और जितने भी लोग बीमार हैं वो लोग भी अल्लाह उनको सेह दे तंदुरुस्ती दे और जो लोग बुरे और बैड क्राइसिस से गुजर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ और तकलीफें दूर करे तो आप ये देख सकते हैं एक पांडा है उसने अपना बेबी पांडा है उठाया हुआ है और वो गाड़ी में बैठे हुए मेरी ये कहीं जा रहे हैं तो और इसके साथ ये एक और ये गाड़ी खाली है ठीक है इस पर मैं बैठूंगी और हम चलेंगे इन दोनों के पीछे पीछे हम देखेंगे ये गाँव जा रहे हैं अच्छा जी एक वक्त होता था कि डायरीज लिखना बहुत लोग पसंद करते थे मेरे ख्याल से शायद आज भी डायरीज़ लिखी जाती हैं पर मुझे इतना आइडिया नहीं है कि लिखी जाती हैं या नहीं लिखी जाती लेकिन डायरीज लिखना आज भी लोग पसंद करते हैं तो यहाँ पे डायरीज के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस हैं और इतनी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस नहीं है मतलब कि बस ठीक है मतलब कि अगर अगर और भी ज़्यादा डेकोरेटिव डिज़ाइंस होते तो मैं एक डायरी ज़रूर ख़रीदती आपको डायरी लिखना पसंद है या नहीं पसंद है तो ज़रूर बताइएगा अच्छा आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम डायरी डायरी क्या होती है हमें पता ही नहीं है लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि लोग डायरी लिखना पसंद करते थे अपने दिन की सारी चीज़ें उसमें लिखना लोगों से उसे छुपा के रखना और अपनी तमाम फीलिंग्स उसके अंदर लिख देना क्या आपको लगता है कि डायरी लिखना अच्छा होता है या बुरा होता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा ऐसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये एक बालू है और ये बड़ा पसंद आ गया है तो ले लूँ नहीं क्या करना है <laughs> ये तो बच्चों के लिए है अच्छा जी बच्चे अगर यहाँ पे आ जाएं तो वो पागल हो जाएं बेशक घर में सौ करोड़ खिलौने हो लेकिन यहाँ आके बच्चे कहते हैं जी खिलौने फिर से चाहिए तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो इस कॉर्नर पे ना आइएगा वरना आपकी जेब खाली हो जाएगी कोई इतना हसीन भी हो सकता है बिया मलिक बताना जरा कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा अब तो मुझे रिक्वेस्ट भी आ गई है कि मैंने ना मेकअप भी सिखाना है तो मेरे सर पे इतना बोझ है कि मैंने लोगों को व्लॉगिंग भी करनी है और उनको मेकअप भी सिखाने हैं तो गाय जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सिल्वर बटन तक तो पहुँचाएँ कि तुमने पेपर देने हैं जो ले रही हो हम जब होते थे ना कॉलेज में तो हम लोगों को ये इतनी ग्राफिया इतनी बुरी लगती थी ना मतलब तो तो कि जोमेट्री वाला जब हो जाता था ना सेक्शन बुकवास ऐसे ग्राफ बनाओ ये करो वो करो और सर कहते होते इसी के नंबर है बेटा तो लिफ्ट में हम लोग बैठने लगे हैं कहां तक जाएगी ये हमने सबसे नीचे जाना है और तुमने कौन सा दबा दिया है नीचे गई भी है अब ऊपर है चलो तुम ओवरऑल लुक दिखा दो इतनी देर लोगों को तो ये तो मेरी फ्रेंड की लुक है कमेंट्स में बता दें कैसी लग रही है कैसी नहीं इसको बहुत शौक है सोशल मीडिया में मशहूर होने का आ, और इसको पता नहीं है कि सिर्फ एक बिया मलक ही है जो मशहूर हो ये क्या हुआ तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड से बिल्कुल अलग हो गई क्योंकि वो लिफ्ट में पता नहीं कहाँ चले गई और मैं यहाँ रह गई और लिफ्ट का दरवाज़ा पता नहीं क्यों अचानक से बंद हो गया कुछ समझ नहीं आई मैं इतनी परेशान हूँ कि अब मैं उसे कहाँ ढूंढूँ पूरे मॉल में क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स बिल्कुल अब काम नहीं कर रहे और मेरा रबता उससे बिल्कुल नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ चले गई है तो ये अचानक से पता नहीं क्या हादसा हुआ मेरे साथ तो व्यूवर्स अगर आपके साथ ऐसा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के लिए ज़रूर बताइएगा लिफ्ट में पता नहीं कोई ख़राबी है मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ना सीढ़ियों से नीचे ऊपर जाएँ लिफ्ट में ना जाए इस तरह से आप बिछड़ सकते हैं और फिर उसके बाद आपकी रोने वाली हालत हो जाएगी मेरी लिटरली रोने वाली हालत हो गई है कि मैं क्या करूं और उसको अब कहाँ पे ढूंढूं खैर मैं नीचे आ गई हूँ बेसमेंट वाले फ्लोर में ताकि ना यहाँ पे थोड़ा बर्तनों के साथ टाइम पास कर सकूं और क्या पता वो मुझे अब मिल ही जाए अगर वो मिल जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो मुझे फाइनली मिल गई है तो जी यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू चल रहा है क्योंकि बार बार लाइट आ रही है जा रही है यहाँ बर्तन हैं यानी कि क्रॉकरी वगैरह लगी हुई है ग्लास है कप है हर तरह की चीज़ यहाँ पे मौजूद है ये छोटा सा कप है साथ में इसके ट्रे है और जब टी शाम को दिल करता है चाय वगैरह पीने को आपका भी दिल करता होगा मेरा तो आ, करता ही है तो उस वक्त दिल करता है प्लेट में बिस्किट भी हो और चाय भी हो तो ये साथ में उन्होंने इस तरह से ही बनाई हुई है डिज़ाइन की हुई है ताकि आप बिस्किट्स वगैरह और खाने पीने की चीज़ें साथ में ही रख लें तो जी ये कुछ इन बलेंसिंग सा हो गया मेरे साथ मॉल में हैर कोई नहीं ऐसा हो जाता होता है तो क्रॉकरी जो है अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के डिज़ाइन है टी डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं डिनर डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मुझे नहीं पता इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव बाहर भी इतने एक्सपेंसिव मिल रहे हैं या सिर्फ इस मॉल में ही इतने एक्सपेंसिव मिल रहे हैं यानी कि डिनर सेट जो है यानी कि सेवेंटी टू प्लेट्स वाला जो डिनर सेट है वो फिफ्टी थाउजेंड का मिल रहा है यानी कि मेरे लिए तो ये टू मच हाई प्राइस है <laughs> लेकिन जो लोग खरीदते हैं वो खरीदते हैं और जो लोग नहीं खरीद सकते वो नहीं खरीद सकते आ, ये बात है और यहाँ पे घूमने फिरने के कोई प्राइजेस तो है नहीं है आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सैर कर सकते हैं तो यहाँ पे रेगुलर यूज वाली जो प्लेट्स हैं वो भी नीचे लगी हुई हैं और डिनर सेट भी लगे हुए हैं और टी जो सेट होते हैं वो भी लगे हुए हैं मैं सोचा आपको सारा दिखा दूँ अच्छा मैं पूरा मॉल घूम घूम के ना अब मैं चकराई गई हूँ क्योंकि मॉल बहुत बड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या दिखाऊँ क्या, क्या क्या ना दिखाऊं मैंने आपको बस जी दिखा दिया आज सारा मॉल आपको घर बैठे या एक मेले की नहीं थी <laughs> वो करवा दिए गांव में ना मेला पता नहीं जब कभी बाहर का मौसम आता है तो वहाँ पे मेला लगता है वो सेलिब्रेट करते हैं कि जी बाहर आई है सर्दी ख़त्म हो गई है या फिर इस तरह का जब ट्रेंड आता है ना तो वहाँ पे मेला लगता है खुशी मनाते हैं वो लोग और उस मेले में भी इसी तरह की चीजें लगती हैं इससे थोड़े कम लेवल की लगती हैं पर लगती हैं तो ये उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा मेला है जो कि मैं उनको दिखा रही हूँ तो आ, कुछ ऐसी जो है वो हमारे आ, कंट्री में कुछ ऐसी जो सहावतें हैं उसे फॉलो किया जाता है अगर आपको ऐसी किसी भी सहावत के बारे में पता है यानी कोई ट्रेडिशन के बारे में पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके और मैं ऐसे ही आपके साथ अपने व्लॉग्स जो है वो शेयर करती रहूँ अच्छा जी ये लास्ट एरिया है जो है फर्स्ट फ्लोर का लास्ट एरिया है और यहाँ पे जी लगी हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें यहाँ पे आपको हेयर ड्राई ब्लोर ड्राई सब मिलेगा ठीक है और इसके बाद जी यहाँ पे ज्वेलरीज भी लगी हुई हैं और ये साहर सी बात है वैलेंटीन डे आ रहे थे ये मैंने आपको डिब्बी दिखाई है ना ये खाली थी <laughs> ये भी आप खरीद सकते हैं इसके अंदर ब्रेसलेट सस्ता सा सस्ता सा ब्रेसलेट सौ रुपये वाला रख के अपनी <laughs> स्पेशल वन को दे दीजिए। उसको लगेगा ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो खुश हो जाएगी उसके मुंह से निकलेगा वाह <laughs> तो अच्छा जी ये एक जॉक था जॉक सा पार्ट वैसे ये हस्बैंड्स के लिए भी है हस्बैंड्स भी ये डिब्बी ले सकते हैं और इस डिब्बी में सौ रुपये वाला नहीं दस रुपये वाला ब्रेसलेट रख के ना। <laughs> बीवी <laughs> को दे सकते ऐसा भी होता है जॉक्स अ पार्ट वैलेंटाइन डे की लड़ाई अभी भी जारी है आपने मुझे ज़रूर बताना है कि जो वेलेंटाइन डे मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए क्या हिस्ट्री है बहुत सी हिस्ट्रियाँ फैली हुई हैं मुझे एक्चुअली असली हिस्ट्री नहीं बता वैसे मैं सोच रही थी हिस्ट्री बुक में ना वैलेंटाइन डे का पोर्शन भी ऐड कर देते नॉलेज पे इजाफा हो जाएगा जितने जितने डेज ऐड होते जा रहे हैं जैसे से ऐड हो गया है और बहुत से ऐसे दिन हैं जो कि हमारे मुल्क में होना पसंद नहीं किए जाते कि सेलिब्रेट किए जाए उन सब की हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री बुक में होनी चाहिए <laughs> ताकि हमारे पास पहले से अवेयरनेस हो कि हम नहीं इसको सेलिब्रेट रहे हैं नहीं करना है और ये ट्रेंड पे क्यों जा रहा है ठीक है जितनी चीज़ें ऐसी हैं ना जो मतलब के लोग कहते हैं नई सेलब्रेट करनी चाहिए वो उतनी वो चीज़ें ट्रेंड पे जा रही हैं <laughs> आपको क्या लगता है ये ट्रेंडिंग किसने स्टार्ट की थी और ये ट्रेंड पे इंसान चला कैसे जाता है मुझे नहीं पता तो यहाँ पे बैग्स हैं मैं आपको बैग्स दिखा रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट बैग्स हैं और क्वालिटी बस मैं क्वालिटी को दूँगी सिक्स बाई टेन इतनी ज़्यादा अच्छी लेदर नहीं है मैं मतलब कि आप कैजुअल यूज़ के लिए ले सकते हैं अदरवाइज अगर आपने ज़्यादा महंगा बैग लेना है तो फिर ये मतलब कि अगर ज़्यादा लॉन्ग वे के लिए आप ले रहे हैं तो उसके लिए फिर ये वाले बैग्स मत लीजिए वैसे जैसे आप रेगुलर यूज़ के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले भी ले सकते हैं जॉब्स वाले भी ले सकते हैं इसी तरह के ये बैग्स हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हैं हर तरह का डिज़ाइन है कलर है क्लचिस हैं एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से डिजाइन है जो कि आप ले सकते हैं आंखों को अच्छे भी लग रहे हैं कान <laughs> कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा एक्टिविव है अच्छा ये क्लचिस हैं यहाँ पे पार्टी इवेंट्स शादी सिंपल जो भी क्लचिस है ना हर तरह के क्लचिस भी मौजूद हैं और आप हैंड वेयर क्लचिस यहाँ से खरीद सकते हैं प्राइजिस डिफरेंट डिफरेंट हैं और अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं तो गाइज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे ये जगह अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा यहीं पे अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा बाय टेक केयर एंड अलाहा हाफिज़ और क्या क्या कहते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ तो हो गया